रामपुर के थाना अजीम नगर के पसियापुर गांव निवासी हामिद अपने परिवार के साथ अपने घर पर सो रहा था, तो गांव का ही रहने वाला युवक फहीम अपने कई साथियों के साथ आया और पीड़ित हामिद की नाबालिग युवती को लेकर फरार हो गया। पीड़ित परिवार ने जब उसका विरोध किया तो उन लोगों ने तमंचे तान दिए और युवती को लेकर फरार हो गए। पीड़ित हामिद ने इसकी शिकायत थाने में की तो पुलिस ने दो दिन बाद 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और जांच में जुट गई। बहरहाल पीड़ित परिवार पुलिस के काम से खुश नहीं है और उनका पुलिस पर आरोप है कि आरोपी पक्ष ने पुलिस को पैसा भर दिया है, इसलिए पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। वहीं पीड़ित परिवार अपनी लड़की के लिए काफ़ी परेशान है और परिवार के गम का माहौल है। वहीं युवती के पिता हामिद ने कहा कि उसकी लड़की को अगवा कर लिया गया है। गांव के लोगों ने इस मामले को पंचायत के जरिए भी निपटाने की कोशिश की, जब बात नहीं बनी तब पीड़ित पिता हामिद ने थाना अजीम नगर में के गांव में ही 7 लोग फहीम, सलीम, इबले, बूरा, यूसुफ, अमीर, जहां, साइमा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पीड़ित पिता का आरोप है हम गरीब हैं इसलिए पुलिस हमारी सुनवाई नहीं कर रही। अब ये 13 तारीख को हमारी बेटी को अगवा कर दिया। इधर देखो भाई, जब अगवा कर लिया तो हमने जब हाथ खोली तो सुबह को ये लोग थे उसमें, मतलब बूरा हाजी, सलीम, फहीम, इबले, यूसुफ और मतलब और अफसाना और जो मतलब ये लोग थे, तो हमने इनसे पूछा तो ये लोग मतलब हमसे ऐडे, इन्होंने वो करी, फिर इन्होंने हमने ये कहा था हमें लड़की दे दो, हम आगे आपको कार्रवाई नहीं करेंगे। तो इन लोगों ने हमसे मतलब झूठी तसली दे दी और ये काम आगे बढ़ाने लगे। हमने फिर पुलिस थाने में जाकर ये रिपोर्ट करी तो हमें उन्होंने झूठी तसली दे के वापस कर दिया। उसके बाद हमने फिर उनसे पूछा तो कहाँ कर रहे हैं वो, इन लोगों ने उनको पैसा भर दिया, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कितने दिन बीत चुके हैं? जब आज 4 दिन है, 7 इन लोगों ने हमारे यहाँ 4 दिन होने जा रहा है, कोई भी हमारी सुनवाई नहीं करी। कितनी उम्र थी आपकी बेटी की? हमारी बेटी की उम्र थी 15 साल साहब। अच्छा, योगी राज में सुरक्षा की बात करी जाती है लड़कियों की, तो किस तरह की सुरक्षा हुई है? कहीं सुरक्षा है? कहीं सुरक्षा नहीं है साहब, अगर कानून के उसमें सुरक्षा होती तो हम मान लेते, इसमें कोई भी हमें जब कहाँ गए अब बेटी ढूंढने के लिए? बेटी ढूंढने के लिए हमने साहब बहुत पता करा मगर हमें कहीं नजर नहीं आ रही। हमने जहाँ था हमारे जो बाहर लोग हैं मिलने वाले उनसे ही पता कराया, लड़के कोई हमें कोई सुराग नहीं। पुलिस ढूंढ रही है? पुलिस का कोई पता नहीं है, पुलिस हम आते हैं थाने मिलती है जा रहे हैं। तो पुलिस क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है? कार्रवाई नहीं कर रही साहब, उन लोगों ने पैसा भर दिया, हम गरीब लोग हैं, हमसे पैसा नहीं भरा गया, इसलिए हमारी कोई सुनवाई नहीं। तो आपकी बेटी नाबालिग है? जी सर, हमारी बेटी नाबालिग है।